in life of early human. In the last video, I am going to explain you life of early human, homes of early human, and the food eaten by early human. Is it? So today I am going to explain you discovering fire, learning to grow crops, and settling in villages. Okay. तो मैंने आपको बोला था कि पहले वो लोग क्या करते थे, वो लोग कच्चे खाते थे, मीट वगैरह. एंड वो लोग जब रहते भी थे, वो किस टाइप के घर में रहते थे? दे डिड नॉट हैव एनी परमानेंट हाउस, इज इट? वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, केव्स में रहते थे. एंड फूड क्या खाते थे वो लोग? वाइल्ड रूट, है ना? और कच्चे मीट वो लोग खाते थे, रॉ मीट, इज इट? सो नाउ लेटर दे लर्न हाउ टू डिस्कवर फायर. वो लोग फायर कैसे यूज करते हैं, फायर कैसे डिस्कवर हुआ उस टाइम में, ठीक है? मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो पहले क्या हुआ, बहुत साल पहले वो लोग स्टोन तो यूज़ करते थे, वो लोग टूल्स वगैरह के लिए, है ना? जब वो लोग टूल्स बनाते थे, तभी जब दो पत्थर एक दूसरे से वो लग जाता है तो क्या होता है, स्पार्क आ जाता है ना? ऐसे वो कभी कभी हुआ था, बट दे डिड नॉट नोटिस, वो उन लोग ने याद नहीं किया होगा. तो जब ऐसे होता रहा, तो जब अचानक से वो फायर जब ऐसे स्पार्क हो गया, तो वो बहुत डर गए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ उन लोग के लिए फर्स्ट टाइम था ना. तो वो पहले पहले क्या होते थे, वो डरते थे वो फायर से. फिर लेटर ऑन वो करते करते क्या हुआ, वो लोग अच्छा इस चीज़ को कैसे काम लगा सकते हैं. तो वो लोग ऐसे ही ट्राई करते करते, वो लोग दो स्टोन को ऐसे रब करते करते क्या हुआ, वो फायर आने लगा, है ना? तो उस चीज़ को वो लोग काम लगाने लगा कि वो फायर आग जा, ऐसे ही वो लोग फायर का यूज़ करने लगे, ठीक है? फिर उससे क्या हुआ, वो लोग जो रॉ मीट खाते थे उसको एक बार जस्ट चलो आग में लगा के देखते हैं इसको कैसे होगा टेस्ट, है ना? देन दे यूज टू कुक द मीट ऑन द फायर. तो वो लोग आग का यूज़ करने लगे कि मीट वगैरह को ऐसे ही आग में लगा के खाने से वो क्या हुआ, टेस्टी हुआ एंड सॉफ्ट भी हो रहा था. तो उन लोगों को लगा कि अच्छा ऐसे हम लोग खा सकते हैं. इन दिस वे दे डिस्कवर्ड फायर एंड दे मेड द यूज ऑफ फायर. अब आपको कैसे लंबे तक जलाने के लिए कैसे वो लोग क्या किए हैं, और ज़्यादा पत्ते लगा दिए उसमें, है ना? और भी वुड लगाने लगे. तो क्या वो लोग फायर अच्छे से वो लंबे लंबे टाइम तक वो लोग वो आग जलाते थे. देखिए जैसे ये लोग ऐसे यूटिलाइज करने लगे, ऐसे आग बनाने लगे. फिर ठंडे के टाइम में वो लोग आग जला के ऐसे सामने बैठ जाते हैं, गर्म गर्म थोड़ा सा वार्म रखने के लिए, है ना? और आग को हमेशा जलते रहने के लिए वो लोग लकड़ियाँ डालते थे. ओके, तो दिस इज हाउ दे यूज टू डू दिस. समझ में आया डिस्कवरिंग फायर? नाउ लर्निंग टू ग्रो क्रॉप्स. हाउ डिड दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स? पहले क्या होते थे वो लोग, वाइल्ड रूट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, है ना? और ऐसे खाते खाते एक जगह खत्म हो गया, एक जगह से दूसरे जगह वो लोग जाते थे, है ना? अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग जा रहे थे जिस जगह से वो लोग खा के वहाँ का सीड सॉरी फ्रूट्स खा के उस सीड वहीं फेंक दिया, है ना? तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले गए. तो क्या हुआ, जब बहुत दिन के बाद घूमते घूमते फिर उस जगह जब आते हैं, तो वो लोग देखे कि जो सीड वो लोग खा के फेंके हैं वहीं से स्प्राउट होने लगे हैं. तो उस चीज़ को उन लोगों ने ध्यान दिया. तो अच्छा इस चीज़ से स्प्राउट होता है, इस चीज़ से वो लोग को याद हुआ कि चलो आप हम लोग इसे ऐसे ही हम लोग सीड को अच्छे से उसको हम लोग प्लांट करेंगे, फिर उससे हम लोग को क्या होगा, और ज़्यादा फ्रूट्स मिलेगा, और ज़्यादा खाने की चीज़ क्रॉप्स वगैरह मिलेगा, है ना? ऐसे ही उन लोग को माइंड में हुआ. फिर दिस इज़ द वे हाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. फिर ऐसे ही वो लोग क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने लगे, सीड को प्लांट करके ऐसे ही वो लोग क्रॉप्स ग्रो करने लगे, और अपने अपना क्या बोलते फील्ड बनाने लगे, फिर अपना क्रॉप्स ग्रो करके वो लोग खाने लगे. ओके, नाउ सेटलिंग इन विलेज. तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग जब क्रॉप्स ग्रो करने लगे, एक जगह में वो लोग ग्रो कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाने लगे, क्योंकि एक जगह वो लोग उगा के खा रहे हैं, जब क्रॉप्स अपने घर के सामने ही आ रहे हैं तो फिर दूसरी जगह क्यों जाना, है ना? तो वो लोग ऐसे जब स्टार्ट किए तो वो लोग मूव नहीं किए, एक जगह ही सेटल्ड हो गए. ओके, सो सेटलिंग इन विलेजेस, हाउ दे सेटल्ड? तो अपने घर में ही ऐसे क्रॉप्स जब लग गया तो वो लोग ऐसे स्टे करने लगे, है ना? अब क्या हुआ, पीपल जो थे उन लोग को लगा कि प्लांट्स में क्या चाहिए ग्रो करने के लिए,
वाटर चाहिए है ना, तो सम पीपल व्हाट दे डिड दे स्टार्टेड सेटलिंग नियर द रिवर एरिया, जो रिवर के एरियाज होते हैं वहाँ के पास में रहने लगे, क्योंकि प्लांट को तो वाटर चाहिए, तो वहाँ से इजी हो जाता है प्लांट को वाटर करने के लिए, इजंट इट। तो ऐसे ही दे स्टार्टेड सेटलिंग इन विलेजेस। ओके, सो हियर यू कैन सी हाउ दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर हाउसेस एंड ऑल, वो लोग कैसे अपने घर बनाने लगे, फिर ऐसे अपने घर के पास पास में पेड़ पौधे लगाने लगे, फिर अपने गांव बनाने लगे। सो दिस इज हाउ दे सेटल्ड देयर लाइफ इन द अर्ली ह्यूमंस टाइम। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।